बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंटरनेट क्या है और वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास क्या होती है जी, इन चीज़ों को देखेंगे। सो इंटरनेट क्या होता है हमारे पास? इंटरनेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ इंटरमीडिएट एंड नेटवर्क। इंटरमीडिएट मीन सेंट्रल पॉइंट और मिडल पॉइंट, एंड नेट फॉर नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? कोई जाल होता है, और मीन्स कम्बिनेशन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हम कह सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर काम कर रहे हो, दैट इज़ योर नेटवर्क। यहाँ नेट, जहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ डिवाइसेस मिलकर काम कर रही हो, सो वो हमारे पास नेटवर्क बन जाता है। सो नेटवर्क की कंडीशन ये है कि जहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें काम कर रही हों। सो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट हमारे पास ऐसा इंटरमीडिएट पॉइंट है जो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए एक मिडलवेयर प्रोवाइड कर रहा होता है। सो सेकंड थिंग इज़ इंटरनेट के बाद वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है हमारे पास? आज अक्सर हम लिखते हैं www.google.com। सो www इज़ एब्रीवेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या कहती है कि जहाँ से भी आप किसी चीज़ को दुनिया के किसी कोने से भी एक्सेस करना चाहो, सो आप वही चीज़ लगाते हो www.google.com। आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप यूरोप में बैठे हो, आप अमेरिका में बैठे हो, आप किसी भी कोने में बैठे हो, आप एक ही कॉमन पॉइंट के थ्रू आप चीज़ों को एक्सेस कर रहे हो। सो इंटरनेट की हिस्ट्री को अगर हम देखें थोड़ा सा, सो 1969 में आर्पानेट ने जो है सबसे पहले इंटरनेट के जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। सो करने वाले कौन थे? डेवलप्ड इसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको किया। कनेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफेंस बेसिस, यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कनेक्ट किया, एंड देन आपस में जो है डिफेंस के सिस्टम को जो है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने काम स्टार्ट किया। 1973 में हुआ क्या कि आर्पानेट ने पूरे यूरोप को जो है ना वो कनेक्ट कर छोड़ा थ्रू इंटरनेट। सो बेसिकली दिस इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री। 1980s के अंदर हमारे पास नेटवर्क बिटवीन सुपर कंप्यूटर्स, हमने नेटवर्क बनाया, फिर इंटरनेट को हमने आर्पानेट से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। लेकिन हमारे पास कमर्शियल ट्रैफिक अलाउ नहीं थी। कमर्शियल ट्रैफिक क्या होती है कि जो चीज़ रेवेन्यू जनरेट करे। लोकल काम तो चल जाएगा, लेकिन कमर्शियली बेस के ऊपर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑनलाइन काम करती हैं, जहाँ पर आपके जैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, सो ये सारी कमर्शियल हैं जहाँ पर आपके पास रेवेन्यू मॉडल आ रहा होता है। सो 90s के अंदर हुआ क्या, आर्पानेट हमारे पास बंद हो जाता है, वहाँ पर प्रॉपर काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो उसकी जगह पर हमारे पास कमर्शियल नेटवर्क्स आ जाते हैं। कमर्शियल नेटवर्क्स क्या है? क्योंकि हमें लार्ज स्केल के ऊपर, आज आपका सारा जितना सिस्टम चल रहा है वो कमर्शियल नेटवर्क के ऊपर चल रहा है। आइदर वो फेसबुक है, आइदर हमारे पास व्हाट्सएप है, जितना भी आपके पास इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट के अंदर जितनी एप्लीकेशन चल रही हैं, फर्दर मोर हमारे पास जितने काम भी चल रहे हैं, वो सारी हमारे पास जिसके बेसिस के ऊपर चल रहा है, वो हमारा कमर्शियल पर्पसेस के ऊपर चल रहा है। टुडे एंड फ्यूचर हमारे पास क्या होगा, 100,000 न्यू वेबसाइट्स पर मंथ हमारे पास बन रही हैं जी। मोर देन 50% ऑफ US हाउस होल्ड ऑनलाइन। आप देख रहे हैं अभी लॉकडाउन है, हमारे पास मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन जा चुकी हैं। आपके मोस्टली US का जितना भी काम है वो ऑनलाइन हो चुका हुआ है, ऑलरेडी हो चुका हुआ है। बाकी दुनिया भी वक्त के साथ साथ इसके ऊपर ऑनलाइन पर चली जाएगी। एक्सेस इज़ अवेलेबल थ्रू द US, एवेंचुअली एक्सेस विल बी ग्लोबल। सो वहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। ये हमारे पास एक ग्राफ वगैरह बताया जा रहा है जिसके अंदर हमने इंटरनेट यूज़र्स को देखा गया, क्योंकि ये इंटरनेट यूज़र्स की ग्रोथ हमारी बुक के अंदर, हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, सो वहाँ पर ये चीज़ ग्राफ गिवन था, एज इट इज़ कॉपी कर दिया गया। सो इंटरनेट मेजर सर्विसेज के, वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप्ड इन 1993 बाय टिम्स बर्नर्स ली, अलाउड कनेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड अ ब्राउज़र टू रीड डॉक्यूमेंट्स। अभी आप देखते हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास बिल्ट इन हमारे सिस्टम्स के अंदर मौजूद होता है। सो इंटरनेट के लिए हमने एक एक ब्राउज़र भी प्रोवाइड किया हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो हमारे पास कनेक्टिविटी करवाएगा, जो हमारे पास चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक मिडलवेयर प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास ईमेल आ जाती है। एक तो हमारे पास बात आ गई कि वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ईमेल। ईमेल क्या है कि ट्रांसमिशन हमने किस तरह से करनी है, अपने मैसेजेस को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन या कमांड हैं, हमने किसी के साथ शेयर करनी है, तो वो किस तरह कर सकते हैं? सो हमने एक और मेथड इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। कि हम इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर देखें, जो कि फास्ट हो, जो ट्रेडिशनल हमारे पास चल रहा था, जैसे TCS चल रहा है, हमारे पास पाकिस्तान पोस्ट चल रही है, सो ये हमारे पास ट्रेडिशनल वेज हैं।
इसके अंदर टाइम कंज्यूम होता है। सो हमने डॉक्यूमेंट्स या अपनी ट्रांसमिशन को भी तो फास्ट करना है। सो वहाँ पर फास्ट करने के लिए हमने ईमेल को इंट्रोड्यूस कराया, ताकि हमारे पास, जब हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, हमारे पास एक मिडलवेयर आ चुका है, सो ईमेल को हम यूज़ करते हुए चीज़ों को फास्टली जो है दूसरे तक पहुँचा सकें। इंटरनेट की मेजर सर्विसेज के अंदर देखा जाए तो आपके पास न्यूज़, आज न्यूज़ फीड्स आपको मिल रही हैं, न्यूज़ ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं, सेवरल टॉपिक्स के ऊपर आपके पास डिस्कशन चल रही होती है, ट्विटर के ऊपर सारा काम ही आपके पास डिस्कशन का चल रहा होता है। सो ये क्या है, मींस न्यूज़ आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स के अंदर न्यूज़ चल रही होती है, फेसबुक के ऊपर चल रहा होता है। सो ये हमारे पास इंटरनेट की मेजर सर्विसेज आ जाती हैं। देन हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आ जाता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता क्या है, सेंडिंग एंड रिसीविंग। हम ईमेल के थ्रू किसी को कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करना चाह रहे हैं, वो रिप्लाई बैक आपको कर रहा है, मींस आप सेंड भी कर रहे हो और उसी ईमेल का रिप्लाई आपको आ रहा है, तो आप रिसीव भी कर रहे हो। सो उसके अगेंस्ट आपके पास काम कौन सा कर होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है हमारे पास जो काम कर होता है। देन चैटिंग आ जाती है, इंस्टेंट मैसेजिंग आ जाती है, पीयर टू पीयर सर्विसेज आ जाती हैं। सो ये तमाम काम हमारे पास इंटरनेट की मेजर सर्विसेज के अंदर है, जो आज रिसेंटली हम यूज़ कर रहे हैं। चैटिंग की बात की जाए, पब्लिकली आप, मैंने बात की ट्विटर की, तो ट्विटर के अंदर पब्लिकली एक्सेस है, आप कहीं से भी कुछ चाहो तो आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर दो, शेयर कर दो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दो, अपनी कुछ भी एनालाइजेशन कर दो। इंस्टेंट मैसेजिंग आप कर रहे हो किसी के साथ, पब्लिकली प्राइवेटली आप मैसेजेस कर रहे हो। पीयर टू पीयर सर्विसेज आ जाती हैं, आप यूज़र्स के साथ अपने जो है वो यूज़र्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लोज ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पर भी आप चीज़ों को शेयर कर रहे हो। सो आप कर रहे हो क्या हो कि आपने कहीं ग्रुप बनाया हुआ और लोगों को अलाउ किया हुआ है आकर आपके ग्रुप के ऊपर जो है वो पोस्ट कर सकें, कुछ शेयरिंग कर सकें, न्यूज़ फीड दे सकें। सो ये क्या है हमारे पास, ये तमाम चीज़ें हमारे पास कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि हमने लोगों को एक मिडलवेयर प्रोवाइड कर दिया। अब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें ISP की ज़रूरत होती है। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करा होता है। जैसे PTCL की बात करें तो PTCL आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करा है। वो कैसे करा है, एक मॉडेम आपके पास लगा जाते हैं, एक मॉडेम आपके पास वो लगा के जाते हैं और उसकी बैक एंड पे वो राउटिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर एंटीना जो लगा होता है वो हमारे पास राउटिंग ही करवा रहा होता है, सिग्नल्स की राउटिंग करवा रहा होता है। सो ISP की हमें ज़रूरत आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास PTCL के अलावा 32 और बहुत सी हमारे पास ISPs मौजूद हैं। आज तो 4G के ISP मौजूद हैं, जो आप मोबलिंग वगैरह और वारेद वगैरह, ये तमाम जो हमारे पास सिम्स वगैरह के ऊपर इंटरनेट चला है, वो भी हमारे पास ऐसा ISP ही चल रहे होते हैं, क्योंकि हम 4G उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, 3G और 4G। इससे पहले हम देखा जाए तो हमारे पास डायल अप कनेक्शन, आज तो वाईफाई के ऊपर हम चलेंगे, तो पहले हमारे पास डायल अप कनेक्शन चलते थे। डायल अप करता क्या था कि आपको अपने सिस्टम के साथ जो है वो अपने मॉडेम की तार को लगाना पड़ता था एंड या टेलीफोन की तार को लगाना पड़ता था, एंड देन वो डायलिंग शुरू होती थी। जैसे हम टेलीफोन किसी का मिलाते थे वैसे ही वो डायलिंग शुरू करता था, सेम लाइक टेलीफोन आप किसी को मिला रहे हो तो वो आपके पास उसी तरह सेम कनेक्शन बनाता था, कनेक्शन क्रिएट करता था आपके सिस्टम और आपकी जो है वो इंटरनेट प्रोवाइडर का। देन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती थी, बहुत स्लो होता था, ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होती थी। डायल अप कनेक्शन था, डायल अप डायल करता था, सिग्नल वीक होने की वजह से ब्रेक हो जाता था। सो उसके अंदर हमने क्या किया, अब इसको चेंज किया हाई स्पीड एक्सेस के साथ। हाई स्पीड एक्सेस के अंदर DSL आ जाती है, DSL केबल आ जाती है, T1 और कॉमन। सो ये हमारे पास 2 to 25 टाइम फास्टर होती है जी, डायल अप से 2 to 25 टाइम। मींस एक हैवी कनेक्शन, एक हैवी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको मिल रहा है, जो कि DSL से मिल रहा है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से। सो कनेक्टेड थ्रू स्पेशल लाइन। सो यहाँ पर आपके पास स्पेशल लाइन आ जाती है। अक्सर आप देखो तो आपके पास राउटर्स हैं, इसकी वायर अलग, मॉडम के साथ अलग आपकी तार लगी होती है, टेलीफोन को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। पहले ये होता था डायल अप में कि या तो आपका टेलीफोन चलता था या आप सिस्टम के साथ उसको चला सकते थे, एक वक्त में एक काम हो सकता था। आज आपका टेलीफोन भी चलता रहता है और आपका DSL भी चल रहा होता है। सो अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट क्या है जी, द इंटरनेट अलाउ एक्सेसिंग रिसोर्सेज, क्योंकि मिडलवेयर है तो मिडलवेयर ने क्या करना है कि दो डिवाइसेस के दरमियान, सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान आपके पास करना क्या, रिसोर्सेज को अलाउ करना है एक्सेस करने के लिए। सो द वेब सिंप्लीफाइज द इंटरनेट।
द वेब कनेक्ट्स द डॉक्यूमेंट्स हाइपर टेक्स्ट क्रिएट लाइक बिटवीन डॉक्यूमेंट हाइपर टेक्स्ट क्या होता है HTTP अक्सर आपको नज़र आएगा आपके WW से पहले HTTP/ डली होती है दैट्स मीन हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है जी ठीक है जी हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल कर रहा क्या होता है कि आपके पास चीज़ों के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिंक्स क्रिएट करा होता है सो डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर सो HTTP डिलीवर डॉक्यूमेंट सो HTTP करता गया है वो जो लिंक क्रिएट किया होता है इसी तरह आपके पास फिर डिलीवरिंग में आपको हेल्पफुल हो रहा होता है वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं एक वेब पेज होता है एंड वेबसाइट होती है सो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस भी बोला जा सकता है या डॉक्यूमेंट्स बोला जा सकता है सो डॉक्यूमेंट इज़ अ वेब पेज एक वेब पेज जो है एक पेज जो सिंगल आपकी वेबसाइट का एक पेज है वो आपका एक डॉक्यूमेंट है और पेजेस आर पब्लिश टू द वेब और उन्हीं वेबसाइट के ऊपर वो पेजेस जो है पब्लिश हो रहे होते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करती क्या क्रिएट्स करती है वेब पेजेस को वेब पेजेस बनाती है उसके अंदर बताते हैं जैसे HTML है HTML एक लैंग्वेज है जो हमारे पास वेब वगैरह के अंदर काम आती है HTML के थ्रू हम जो है अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर पर्टिकुलरली हम अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं डिस्क्राइब्स हाउ पेजेस शुड लुक पेजेस नज़र कैसे आएंगे किस तरह का पेज होगा कॉन्टेंट इनक्लोज्ड इन टैग्स हम इसके लिए यूज़ क्या करते हैं कि हम टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं वो टैग्स बताते क्या है कि पर्टिकुलरली ये कंटेंट किस बारे में है हेडिंग है बॉडी है व्हाट्सएवर किस तरह का कंटेंट हम इसके अंदर शेयर करना चाह रहे हैं सो ब्राउज़र्स आ जाते हैं ब्राउज़र्स करते क्या हैं ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम है इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये तमाम हमारे पास वेब ब्राउज़र्स हैं क्योंकि इनके ऊपर जाकर हम वेबसाइट्स को सर्च करते हैं सो ब्राउज़र का काम क्या होता है रीड एंड ट्रांसलेट द HTML अभी जो वेबसाइट्स बनेंगी वो ब्राउज़र क्या करते हैं उन्हीं वेबसाइट को रीड करती हैं और ट्रांसलेट करके आपके सामने शो कराती हैं और इसका काम करता है डिस्प्ले द वेब कंटेंट देन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL क्या होता है www.google.com मींस एड्रेस ऑफ द वेब पेज उस किसी भी वेबसाइट का एड्रेस जो होता है वो आपके पास URL होता है ठीक है नीचे एक मिसाल भी देगी तो ये आपके पास क्या है ये जिस तरह जितना भी इस तरह का मटेरियल आता है दैट इज़ योर URL अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट के अंदर एक और चीज़ आ जाती है हेल्पर एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि जस्ट आप प्लगइन्स करते हो प्लगइन्स करने के बाद आप उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हो इनहांस द ब्राउज़र्स फंक्शनैलिटी उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि आपके ब्राउज़र्स की जो है फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो जाती है जैसे आजकल ग्रामरली एक एप्लीकेशन है वो आ गई ग्रामरली करती क्या है आपने उसकी प्लगइन को इंस्टॉल किया वो आपके पास जब भी कहीं पर आप टेक्स्ट कर रहे हो आपने इंग्लिश के सेंटेंस गलत लिखे तो उसने ऑटोमेटिकली सजेशन दे दी कि आपके पास यहाँ एरर है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में यहाँ एरर आ रहा है सो आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को रिमूव कर सकते हो आपने सोचा नहीं है आपने कुछ उसके ऊपर काम नहीं किया आपके प्लगइन की वजह से आपको एक जो है वो फंक्शनैलिटी मिल गई सो उससे होता क्या है कि ब्राउज़र्स की फंक्शनैलिटीज़ के अंदर एनहांसमेंट आ जाती है स्ट्रीमिंग द ऑडियो एंड वीडियो सेंड द फाइल इन स्मॉल चंक्स सो जब हम स्ट्रीम कर रहे होते हैं आप YouTube के ऊपर वीडियो देख रहे होते हो तो क्या होता है स्मॉल चंक्स के अंदर आपके पास वीडियो आगे जा रही होती है सो आपके पास वो जो स्ट्रीमिंग हो रही होती है या बफरिंग हो रही होती है वो स्मॉल चंक्स के अंदर होती है चंक्स डाउनलोडेड वाइल अदर प्ले आप वीडियो चल रही है और आगे फॉरवर्डिंग के अंदर वो ऑटोमेटिकली उसको बफर करके आपके पास मेमोरी के अंदर रखवा रही होती है जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो जहाँ तक बफर हुई होती है सो फ़ौरन से पहले आपको मूव करवा देता है वहाँ पर अगर तो नहीं बफरिंग हुई तो वो क्या करता है आपको टाइम कंज्यूम होता है उसको लोड होने में स्ट्रीमिंग ऑडियो की बात की जाए कि ऑडियो किस तरह से स्ट्रीम होता है तो आपके पास जैसे हमारे पास कंप्यूटर है आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाएगी यूट्यूब के सर्वर के पास आपने जो भी कोई गाना या जो भी कुछ आपने वीडियो या ऑडियो सुननी है सो वहाँ तक सर्वर तक जाएगी और उस सर्वर से आपके पास होते हुए आप तक वापस जो है आपको फिर मिलेगी यूजिंग अ ब्राउज़र एंड द WW ब्राउज़र स्टार्ट ऑन द होम पेज ब्राउज़र जब भी आप कोई चलाओगे तो वो अपने होम पेज से आपको स्टार्ट करेगा नेविगेटिंग द वेब मांगेगा क्या कुछ आपसे कि एंटर करो URL जो भी वेबसाइट आप सर्च करना चाह रहे हो उसकी URL दो क्लिक का लिंक देन उसको क्लिक करो या एंटर कर दो लिंक्स आर टिपिकली ब्लू अंडरलाइन वर्ड्स कहीं पर भी आपको जब वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर या कहीं पर भी आपको मिलेंगे सो जो भी लिंक होगा वो मोस्टली आपके पास ब्लू अंडरलाइंड हो जाएगा जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह का नाम लिखते हैं सो वो ऑटोमेटिकली उसको
अंडरलाइन कर देता है और ब्लू के अंदर मार्क हो जाता है, इमेज मैप्स आर पिक्चर लिंक्स जी। सो इमेज के जो मैप्स हैं वो हमारे पास पिक्चर लिंक के अंदर होते हैं। व्हेन फिनिश क्लोज द ब्राउजर, ये हमारे पास ब्राउजर की एक्टिविटीज होती हैं। सर्चिंग द वेब के अंदर क्या आता है, द वेब इज अनऑर्गेनाइज्ड, वेब जो है वो अनऑर्गेनाइज होती है। इसकी डायरेक्टरीज क्या होती हैं, कैटेगराइज द इंटरनेट। देन सर्च इंजन के अंदर क्या देखते हैं, फाइंड साइट्स बाय कीवर्ड्स। हम जब गूगल के ऊपर जाकर लिखते हैं तो हम कीवर्ड्स ही लिख रहे होते हैं। हमने गूगल के ऊपर जाकर लिखा फेसबुक, अब उसका पूरा यूआरएल हमें नहीं पता था कि facebook.com है, .uk है, क्या है, हमने जस्ट फेसबुक लिखा तो वो कीवर्ड लिखने से क्या हुआ, उसने हमारे पास जितने भी उसके रेलिवेंट हमारे पास रिलेटेड सर्चेस थी उसने सारी शो करवा दी हमें। सो ये सर्च इंजन्स का काम होता है। साइट सर्चेस, लार्ज साइट सेवन इंटरनल सर्च। वेबसाइट्स के अंदर भी सर्च का ऑप्शन होता है कि आप वेबसाइट्स के अंदर कुछ सर्च करना चाह रहे हो, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आपने आके उसके अंदर जस्ट आपका जब भी वेबसाइट ओपन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका होम पेज आपके पास ही हो रहा होगा। आप करना क्या चाह रहे हो, एडमिशन्स के ऊपर जाना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि मुझे फ़ौरन से पहले रिस्पॉन्स मिल जाए, तो आप करो क्या, सर्च बार के अंदर जाकर अपने सिर्फ कीवर्ड लिखो कि एडमिशन। सो एडमिशन के रेलिवेंट जो भी नोटिफिकेशन जो भी चीज़ें होंगी वो आपके पास शो हो जाएंगी। मीन्स आपकी वेबसाइट के अंदर इंटरनल सर्च की जो है वो ऑप्शन थी। मेटा सर्च साइट के सर्च सेवरल वेबसाइट एट वंस, कि आप एक वेबसाइट को एक ही दफ़ा में जो है वो आप जो है उसको चेकआउट कर रहे होते हो। स्पॉन्सर्ड लिंक क्या होते हैं, साइट्स पे फॉर बेटर सर्च रिजल्ट। अक्सर दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जो है डिफरेंट वेबसाइट्स के जो है ना लिंक आपको शो हो रहे होते हैं, जो आपके पास पब्लिसिटी या लोगों ने अपनी जो है एडवर्टाइजमेंट के तौर पर जो काम कर रहे होते हैं वो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी अपने लिंक्स वगैरह जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ का यूट्यूब के ऊपर अक्सर एड्स चल रहे होते हैं, तो वहाँ अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के आपके पास एड्स वगैरह सामने आ रहे होते हैं, उनके लिंक्स आ रहे होते हैं, वो किस लिए होते हैं कि आप उन तक डायरेक्टली जो है वो उन तक पहुँच सको, एक्सेस कर सको। सो दैट इज़ योर स्पॉन्सर्ड लिंक्स। सर्च टेक्निक्स क्या होती हैं जी, कोट द एग्जैक्ट फ्रेज सर्चिंग। अब आपकी सर्चिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास एक तो ये होता है कि हम उनके एग्जैक्ट नाम याद रखें, जिस भी वेबसाइट को याद एक्सेस करना है उसको ठीक नाम के साथ, ये ना हो कि हमारी जो है वो उसकी यूआरएल गलत हो, जब ये एक्सेस जो भी हमारे पास उसके वर्ड्स हैं कीवर्ड्स हैं वो हमारे पास गलत हो, तो उससे नुकसान क्या होता है, उससे नुकसान क्या होता है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट तक नहीं पहुँच सकते, उसकी एक्सेसिंग में मुश्किल होती है। यूज़ द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, एंड यूज़ द कीवर्ड नियर, कि नियर अबाउट कीवर्ड्स यूज़ करना है, ये ना हो कि बहुत बड़ा गैप हो जो आप सर्च करना चाह रहे हो और जो एक्चुअल चीज़ है उसके अंदर डिफरेंस हो। अवॉइड कॉमन वर्ड्स एंड द यूज़ द साइट्स एडवांस टूल्स। तो हमारे पास ये तमाम चीज़ों से हमें क्या होता है, एक बेहतर रिसर्च मिल जाती है, एक बेहतर सर्चिंग करने की आदत पड़ जाती है। सो ये था आज का लेक्चर जो कि हमारा इंटरनेट के ऊपर था, उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो सो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या आप जो है वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।